हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। आज हम सब बात करेंगे कि प्रोफेशनल टीचिंग यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं और आप घर बैठे कैसे अपने टीचिंग करियर को आगे ले जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि टीचिंग वीडियोस को बनाया कैसे जाता है, इनके लिए किस टाइप के सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है और जो लेक्चर वीडियो रहते हैं उससे कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर आप भी इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और अपना यूट्यूब टीचिंग चैनल बनाना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें। लेक्चर वीडियोस बनाने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, जिसमें इजी मेथड होता है व्हाइट बोर्ड लेक्चर वीडियो। इसमें पीछे एक व्हाइट बोर्ड लगता है और उस पर आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए एक ट्राइपॉड आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी अगर आप आउटपुट चाहते हैं, वीडियो ऑडियो आउटपुट, तो एक कॉलर माइक जो है आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को आपकी आवाज़ क्लियर आती है। इस टाइप के वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आप ओपन कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल टीचिंग वीडियोज़ के बारे में, कैसे इसे बनाया जाता है, किस किस टाइप के इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लैपटॉप की ज़रूरत होगी, जिस पर हम हमारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे। लिखने के लिए एक टैबलेट या पेन टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेसिक टैबलेट आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कैमरा की। ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए आपको कैमरा की नीड होगी, आप वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वेबकैम की जगह अपने मोबाइल के कैमरा को यूज़ करें, पर जैसे कि हम सब जानते हैं मोबाइल कैमरा यूज़ करने से आपकी जो वीडियो की रेजोल्यूशन है उतनी अच्छी नहीं आती, वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एरियन या ड्रॉइड कैम। इसके सेटअप आप कैसे होता है, एक एक सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन की, जिससे आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं कि ऑप्शनल है, बट अगर आपको बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव करना है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप ग्रीन स्क्रीन यूज़ ज़रूर करें। हमारी आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में बताने वाले हैं कि हाउ टू सेटअप अ ग्रीन स्क्रीन एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड, प्लस लाइटिंग कैसे सेट होती है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ एक नॉर्मल सेटअप का। सबसे पहले आपके स्टैंड के ऊपर आपका ग्रीन स्क्रीन लगता है, मेक श्योर करें कि उसके ऊपर कोई रिंकल्स ना हो। उसके अलावा आप दो अम्ब्रेला लाइट यूज़ कर सकते हैं जो फोकस करेंगे ग्रीन स्क्रीन पर। जो आपकी चेयर है वो स्क्रीन से वन हैंड की डिस्टेंस पर हो, जिससे आपका या चेयर का शैडो जो है वो स्क्रीन पर ना पड़े, ताकि आप क्रोमा इफेक्ट को आगे सही तरीके से अप्लाई कर पाए। फेस पर प्रॉपर लाइट आने के लिए आप कोई भी रिंग लाइट यूज़ कर सकते हैं जो आपके फेस पर सिर्फ फोकस करेगी। अब अपने पेन टैबलेट को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो वेबकैम है उसके पैरेलल में प्लेस करना है अपने फ़ोन के कैमरे को, ताकि ज़्यादा डिफरेंस ना पता चले। एंड क्योंकि आप एरियम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई वायर से कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसके थ्रू हमारा वीडियो जो है वो कैप्चर होगा। एंड ऑडियो के लिए हम एक कॉलर माइक यूज़ कर सकते हैं या फिर यूएसबी माइक। कैमरा को अलाइन करने के लिए आप एक ग्यूरिल्ला ट्राइपॉड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं मार्केट में। आई होप आप इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, उसका एक आपको एक आइडिया लग गया होगा। ये तो बात हुई इक्विपमेंट्स की, अब बात करते हैं वीडियो बनाने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो है OBS स्टूडियो, जिसकी हेल्प से हम हमारे स्क्रीन को, कैमरा को, माइक को एंड व्हाइटबोर्ड को कनेक्ट करेंगे। OBS ओपन करके आपको जाना है टूल्स पर और सेलेक्ट करना है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़न। ऑप्टिमाइज फॉर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करके आप उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई सेटिंग पर। अब सोर्सेज में प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके डिस्प्ले कैप्चर वाला जो ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करना है एंड अपनी पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करना है ऑडियो इनपुट, जो माइक रहेगा जिसमें आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। थर्ड जो हमें ऐड करना है वो है हमारे व्हाइट बोर्ड को OBS के साथ। तो इसके लिए व्हाइट बोर्ड के बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो अभी जो हम यूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब स्क्रीन पर लिखने के लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब पर और इसमें ब्लैंक स्लाइड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसको मिनिमाइज़ किए बिना हमें जाना है OBS स्टूडियो पर और सोर्स में जो प्लस वाला ऑप्शन है उसमें आपको विंडो कैप्चर सिलेक्ट करना है और इसमें पावर पॉइंट वाला जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लें। आप इसको जो कैप्चर कर्सर है उसका ऑप्शन आप ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा। जो एडिशनल टॉप पोर्शन या साइड पोर्शन है उसको आप क्रॉप कर दीजिए आल टैब दबाकर। ओके, सो इस तरीके से आपका जो मेन स्क्रीन है वही सिर्फ विजिबल होगा और वही OBS स्टूडियो जो है वो रिकॉर्ड करेगी। अब इसके बाद हमको ऐड करना है हमारा कैमरा। सोर्स में जो वीडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस है सिलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक करना है। इसमें फिर आप ईरियम वेबकैम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपके फ़ोन पर ईरियम कैम का जो एप्लीकेशन है वो ओपन रहे। इसमें बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है, वीडियो कैप्चर डिवाइस सिलेक्ट करना है, जो फिल्टर्स वाला ऑप्शन है उसमें इफेक्ट फिल्टर्स का क्रोमा की वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। अब आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है, पर अगर आप फिर भी अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो सिमिलैरिटी एंड स्मूथनेस वाले ऑप्शन को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें।
अब हमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है और जो OBS है उसको हम मिनिमाइज कर देंगे एंड फिर जो पावरपॉइंट वाला विंडो है उस पर उसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको विजिबल होते हैं, पर OBS में जो है सिर्फ मेन स्लाइड वही उतना रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पर लिखने के लिए रिव्यू में जाकर इंकिंग पर क्लिक करके पेन टूल जो है वो सिलेक्ट करना है एंड देन वी कैन स्टार्ट राइटिंग। अब यहाँ पर बहुत से शॉर्टकट कीज हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेक्चर्स को स्मूथली रिकॉर्ड करने के लिए। अब इस तरीके से आप स्लाइड्स को यूज़ करके कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड साइड कॉर्नर में आपका फेस भी विजिबल होगा। अब आपका कंप्लीट होने के बाद इसको आप कर सकते हैं मिनिमाइज एंड OBS पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ये फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो फाइल्स पे जाकर शो रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल होती है। आप ये फाइल में देख सकते हैं कि सिर्फ आप और मेन स्क्रीन ही रिकॉर्ड हुई होती है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल टीचिंग वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई भी चेंजेस करनी है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वीडियो एडिटिंग के आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में ट्राई किया है कि जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेरीज हो सकती है, वो हम उसे कवर करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको आ रहे थे वो रिजॉल्व हो गए हों। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके की और वीडियोस लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते हैं।